नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ मैं हूं दीप कमल सहारन। अगले एक घंटे में चर्चा करेंगे उन खबरों की जो छाई रही हरियाणा को लेकर। हरियाणा में जो बड़ी खबरें सुर्खियां बनी हैं उन पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे सीएजी की रिपोर्ट के जिन पर मची हुई है रार, साथ ही देखेंगे कि पानीपत के गाँव में कैसे दो सगे भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हरियाणा टुडे में बड़ी खबरों पर चर्चा। जी हाँ, तो हरियाणा टुडे की शुरुआत करते हैं सीएजी के जिन से। हरियाणा विधानसभा में पेश की गई सीएजी की सालाना रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अब बैकफुट पर दिख रही है। सोमवार को सदन में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में हुड्डा सरकार पर राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन देने में कायदे कानून को ताक पर रखने के आरोप के साथ साथ डीएलएफ को कम कीमत पर सरकारी जमीन देने का भी आरोप लगा है। सरकारी विभागों, निगमों और अन्य उद्यमों में कैग को ढेरों कमियां मिली हैं। कैग ने अपनी सालाना रिपोर्ट को चार हिस्सों में बांटा है और इसे सरकार को भेज दिया है। मीडिया से बातचीत में हरियाणा के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ओंकार नाथ ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सरकार ने गाँव उल्लावास में राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन देते समय नियमों को तोड़ा और ट्रस्ट को फायदा पहुँचाया। नाथ ने कहा कि ट्रस्ट को नियमों के तहत यह जमीन नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने बोली प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया जिससे नुकसान हुआ है। इन्होंने जब राजीव गांधी ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया उस समय वो उनको लीज में दी गई थी लैंड, और इन्होंने फिर बाद में अपने रूल बदल करके ट्रस्ट को भी ओनर बना दिया। जिस दिन इन्होंने एप्लीकेशन दी गई थी उस दिन उनके रूल में ये लिखा गया था भी लीज जो जमीन नहीं की जा सकती उसकी। उपनाथ ने सरकार पर डीएलएफ को सरकारी जमीन कम कीमत पर देने का भी आरोप लगाया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए की जमीन 1700 करोड़ रुपए में दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन की कीमत तय करने में निर्धारित नियमों की पालना नहीं की। हमने अपनी रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कंसल्टेंट ने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन की गलती से 438 करोड़ का नुकसान हरियाणा सरकार को हुआ है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा में सरकारी अफसरों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां लगातार फैल रही हैं। कैग की रिपोर्ट में राज्य के 7 जिलों का हवाला देकर कहा गया है कि यहाँ पुलिस, रेवेन्यू विभाग और अन्य सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से अवैध कॉलोनियों में न केवल जमीन की रजिस्ट्री हो रही है बल्कि वहां बिजली और पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सब रजिस्ट्रार ने एनओसी प्राप्त किए बिना रजिस्ट्रियां की, एक तो ये डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। नंबर दो डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि किसी भी इलीगल कॉलोनी में कनेक्शन नहीं दिए जा सकते, ये उनके एक्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसी तरह जो बिजली का महकमा है वो भी बिजली की सप्लाई का जो कनेक्शन है उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो इस सभी से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि बाकी जितने भी महकमे हैं वो इलीगल कॉलोनी बनने में मदद कर रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए और सरकार के लगभग सभी विभागों में कमियां निकालते हुए कैग ने अपनी सालाना रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है। सरकार अब इस रिपोर्ट को पीएसी को भेजेगी और नियम ये है कि पीएसी इस रिपोर्ट के आधार पर रिकमेंडेशंस तैयार करती हैं जो सरकार को जाती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1985 से लेकर अब तक पीएसी ने एक बार भी अपनी रिकमेंडेशंस सरकार को नहीं भेजी हैं। कैमरामैन नितिन के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। तो सीएजी की सालाना रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद विपक्ष ने भी अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट पर सियासी बवाल मच रहा है। कैग की इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के लगभग हर विभाग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सोमवार को हरियाणा विधानसभा में रखी गई कैग की सालाना रिपोर्ट ने हरियाणा सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कई विभागों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठी हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 13 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए जो कि बर्बाद ही हुए। कैग के मुताबिक साल 2007 से 2012 तक
करीब 1140,000 हेक्टेयर जमीन को संचित करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन विभाग सिर्फ 104,000 हेक्टेयर जमीन को ही पानी मुहैया करा पाया। वर्किंग ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट इन दिस केस वी हैव मेनी इरेगुलरिटीज व्हिच वी हैव फाउंड इन द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। टारगेट्स व्हिच वर सेट बाय द डिपार्टमेंट्स कुड नॉट बी अचीव्ड। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सप्लिटिंग ऑफ वर्क्स, इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट देयर वर सम ऑडिट फाइंडिंग्स। 1140,000 हेक्टेयर एरिया वाज टू बी एक्चुअली डेवलप्ड अगेंस्ट वन ऑफ व्हिच ओनली 104,000 हेक्टेयर एरिया वाज कवर्ड। ड्यू टू डिले इन द रिवाइजिंग द स्कीम ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स, द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट अवेल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस ऑफ 83 करोड़। एंड देयर वाज डिले इन सबमिटिंग द केस टू द सेंट्रल वाटर कमीशन to finalize the cost of the Hathni Kund barrage, which ultimately resulted in non-receipt of the share amounting to ₹122 crore। कैग ने सरकार की ओर से बनाई गई दादूपुर नलवी नहर के निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नहर के निर्माण पर 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। On Dadupur Nalvi irrigation, very important to note, 126 crore was spent, but it remained non-functional as water would be available to farmers only during rainy season when actually they don't require water। कैग ने बुढ़ापा पेंशन में भी गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा की राशि उन लोगों के लिए जारी की जो या तो पेंशन लेने के योग्य नहीं थे या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं है। ओल्ड एज और समान, एज यू नो ओल्ड एज समान दे कॉल इट, इट इज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वेदर यू कॉल इट ओल्ड एज पेंशन और यू कॉल इट ओल्ड एज समान। 60 साल की उम्र से जो ज्यादा पर्सन है उनको जो मिलता है, लेकिन हमने ये देखा है हमने देखा कि 16.73 करोड़ उन लोगों को दिया जो कि इनएलिजिबल थे, जहाँ की उनको पेंशन और मिल रही थी, जहाँ की उनकी एज ठीक नहीं थी, मतलब कि हमने फिजिकली जा करके इंटरव्यू लिया, बेनिफिशियरी के घर गए और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट के 16 करोड़ का उनका ज्यादा इनएलिजिबल बंदों को दिया गया था। रिपोर्ट में जेल और पुलिस विभागों के समन्वय में कमी को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2007 से 2011 तक राज्य की जेलों से 68 कैदियों को पैरोल मिली थी, जिसमें से 49 संगीन अपराधों में लिप्त थे जो पैरोल से वापस नहीं लौटे। पैरोल पर जाने वाले कैदियों की सिक्योरिटी को भी जब्त नहीं किया गया। तो सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा विधायकों के बड़े फर्जीवाड़े का भी हुआ है। इस मामले में कई अलग अलग विभागों को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है उस पर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी महकमों में गड़बड़ियों का और फिजूल खर्ची का लेखा जोखा एक तरीके से पेश किया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, केंद्र के स्तर पर पिछले एक दो साल में हमने देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बड़े बड़े बवाल हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। क्या यही वजह है कि हरियाणा के संदर्भ में भी सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पर ज़्यादा नज़र इस बार पड़ रही है, या फिर हर साल, क्योंकि ये सालाना एक्सरसाइज है, हर साल सीएजी इसी तरीके के फिजूल खर्ची और लापरवाही के आंकड़े हरियाणा के संदर्भ में भी पेश करता रहा है? दीप कमल, हालांकि ये सालाना एक्सरसाइज है, जैसे आपने कहा, हर साल ही कैग रिपोर्ट देता है, हर साल ही अपनी जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, सरकारी विभागों की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े करता है और अपने रिकमेंडेशंस जो हैं वो सरकार को भेजता है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करूं तो एक बड़ी दुखद ये बात है कि जो आज कैग ने हमें बताई कि जो रिपोर्ट कैग देता है उस पर जो पीएसी होती है उसमें जाती है रिपोर्ट, डिस्कशन होती है, कुछ रिकमेंडेशंस तैयार होती हैं वो सरकार को जाती हैं, क्योंकि कैग कुछ सलाहें देता है सरकार को, उन सलाहों को मानने या ना मानने की बात सरकार के ऊपर है, वो माने या ना माने, लेकिन वो सलाहें दी जाती हैं। पर आपको भी जानकर ये हैरानी होगी कि 1985 के बाद से हरियाणा में
कोई भी रिकमेंडेशंस जो है पीएसी ने नहीं दी है, यानी कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो ठंडे बस्ते में है, उस पर कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं, कोई अच्छे काम की कोई सलाह दी है कैग ने या फिजूल खुर्ची रोकने की बात करी है, कोई भी रिकमेंडेशंस पीएसी नहीं दे रहा है। और यही बात कैग ने भी आज कही है कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, अगर हमारे रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है जो हम देते हैं तो निश्चित तौर पर जो कार्यप्रणाली है विभागों के वो सुधरती है, जो आम लोग जो उम्मीद करते हैं सरकारी विभागों से वो उम्मीदें पूरी होती हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों को ही नहीं बल्कि सरकार को विभागों को भी इनका फायदा होता है। तो हरियाणा में हर साल की एक्साइज है ये, लेकिन जिस तरह से इस बार इस पर नज़रें थी लोगों की क्योंकि इसमें राजीव गांधी ट्रस्ट को ज़मीन देने का मामला था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि बवाल मचना है, पर रिपोर्ट चूंकि सदन में लेट आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई तो उतना बवाल तो नहीं मचा, लेकिन नज़रें वाकई में इस बार सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट पर थी लोगों की। जी, तो क्या आदित्य ये समझा जाए कि सीएजी और पीएसी दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों सरकार की तरफ से बनाई गई है, सीएजी में अधिकारी होते हैं, पीएसी विधानसभा की समिति है, वहां पर विधायक ज़्यादा होते हैं, तो अफसर अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ यहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं विधायकों के जिम्मे जो काम है पीएसी के जरिए, वहाँ पर बात रुक जाती है कि सीएजी की रिपोर्ट को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जाता वहाँ पर। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कैग की रिपोर्ट है, ये सवाल बार बार उठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं आखिर वो कैग को इतना नॉन सीरियसली क्यों लेना शुरू कर देती हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए कैग की रिपोर्ट बड़ी बात है, वो उसकी बात को सत्य मानती हैं, तथ्यों से भरी मानती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो इस बात को लगातार कहता है कि कैग की रिपोर्ट कोई गीता या बाइबल नहीं है, यानी जो उसमें कहा गया वो सच हो, तो दोनों पक्षों का नज़रिया अलग अलग है, दोनों पक्ष अपने तरीके से कैग की रिपोर्ट को देखते हैं। जो हमने आज सवाल किए उसमें ये भी था कि जो इशूज़ इस बार बर्निंग इशू हैं हरियाणा में, उनमें वो भी हैं इशू जो अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी ने उठाए हैं, तो उनका ये कहना था कि जो इनपुट हम लेते हैं यानी कैग जो इनपुट लेता है वो आम लोग क्या सोच रहे हैं किसी मुद्दे पर या मीडिया में क्या किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है उनको लेकर भी होता है, तो कहीं ना कहीं कैग की रिपोर्ट को इतना इस तरह से लेना सरकार के लिए कि 25-28 साल से आप उसकी रिकमेंडेशंस ही ना आगे फॉरवर्ड करें, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार कैग की रिपोर्ट को लेकर कम से कम हरियाणा में तो कोई भी सरकार रही हो बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आती, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, इससे पहले कि ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, देवीलाल या फिर भजनलाल की सरकारें रही हों, किसी ने भी कैग की रिपोर्ट को कम से कम सीरियसली नहीं लिया। जी बिल्कुल, बेहद गंभीर मामला है कि 1985 के बाद से पीएसी ने कोई सिफारिश ही नहीं दी है सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। कितने गंभीर हैं हमारे विधायक और सरकार अपनी ही बनाई एक संस्था की रिपोर्ट पर, ये वाकई चिंता की बात है। आदित्य चौधरी, आप हमारे साथ बने रहिए। जिन विधायकों की लापरवाही या सुस्ती की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या गड़बड़े की हैं, उन्होंने क्या फर्जीवाड़े किए हैं, ये भी सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। हरियाणा के कई विधायकों ने यात्रा बिल का फर्जीवाड़ा किया है। झूठे यात्रा बिल के इस खेल से सरकारी खजाने को लाखों की चपत लगी है। यात्रा बिल के इस खेल में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों के नाम भी शामिल है। देश के दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा में भी विधायकों को विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आने जाने का भत्ता दिया जाता है। यही नहीं, इन विधायकों को देश भर में कहीं भी किसी बैठक में जाने के लिए भी यात्रा और खाने का भत्ता दिया जाता है। लेकिन आरोप है कि हरियाणा के कई विधायकों ने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया। कैग की सालाना रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। हरियाणा के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ओंकार नाथ ने कहा है, इन विधायकों ने उन दिनों का भी पैसा विधानसभा से लिया है जिन दिनों का पैसा ये अलग से ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मामले के बारे में पूरी रिपोर्ट विधानसभा को भेज दी गई है। जिन तरीकों में इन्होंने अलग अलग जगह मीटिंगें अटेंड की विधानसभा की या विधानसभा की अलग अलग कमेटियों की उस दिन, और उन्हीं तरीकों में उन्होंने अपने एलटीसी पर अलग अलग जगह पर गए थे, वो क्रैश हो रही हैं। तो हमने अपना रिकॉर्ड के मुताबिक जो देखा है उसके मुताबिक एक ही दिन में वो दो जगह नहीं जा सकते। कैग का कहना है कि हरियाणा के लगभग डेढ़ दर्जन विधायकों ने लगभग 30 लाख के बिल पेश किए जो ठीक नहीं कहे जा सकते। कैग ने कहा है कि बिल क्लेम करने और उसके भुगतान दोनों में ही गड़बड़ियां हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है विधायकों को 23 लाख अधिक भुगतान किया गया है। इनमें से भाजपा के विधायक अनिल विज से तो 21,000 का अतिरिक्त भुगतान वसूल लिया गया था,
लेकिन बाकी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि राज्य के प्रत्येक विधायक को हर साल 2 लाख तक की मुफ्त यात्रा भत्ता मिलता है। एवन तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। तो विधायकों ने भी फर्जी बिल पेश किए हैं और एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर जाने के बिल पेश करके फर्जीवाड़ा किया है और सरकारी खजाने से पैसे निकलवाए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, ये किस तरीके के मामले थे जिसमें विधायक अब एक तरीके से सवाल उन पर उठता नजर आ रहा है? फंसने की तो कहीं बात इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि उनसे वसूल ही ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, इसके अलावा कोई कार्रवाई इसमें नहीं होनी है, लेकिन किस तरीके के फर्जीवाड़े थे जिसमें हमारे विधायक ये शामिल नजर आ रहे हैं? दीप कमल, हरियाणा में विधायकों को सहूलियत है सरकार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, कि वो मुफ्त यात्राएं कर सकते हैं। लिमिटेशंस हैं कुछ, लेकिन लगभग 2 लाख रुपए तक हर साल विधायक जो है खर्च सकता है अपनी यात्रा बिल पर। इस मामले में ये देखने में आया है कि कुछ विधायकों ने उन दिनों के भी बिल लगा दिए हैं जिन दिनों वो सदन में थे या मुफ्त जो यात्रा होती है वो कर रहे थे, उसके साथ ही किसी दूसरी जगह का बिल भी उन्होंने लगाया है। तो डबल जगह, 2 जगह एक इंसान एक समय में नहीं हो सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि ये जो बिल, दूसरे जो बिल हैं, वो उनके अपने ना होकर उनके परिजनों के हैं। कुछ विधायकों ने माना भी है कि उनके परिजनों ने यात्राएं की हैं, वो बिल उनके हैं जो लगा दिए गए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा इस तरह से है कि एक विधायक ने कोई गलती की भी इसमें, आदित्य, कोई गलती की भी गुंजाइश रहती है कि लापरवाही से या किसी भ्रम में गलत बिल जमा हो जाए, या फिर ये सिर्फ एक बहाना नजर आता है आपको? देखिए, मुझे तो ये बहाना नज़र आता है क्योंकि अगर गलती या गलतफहमी हो तो एक या दो विधायकों से होगी, वो 2 दर्जन विधायक एक ही चीज़ को नहीं करेंगे। सभी ने यही बात कही है कि उनके परिजनों ने यात्राएं की हैं और उनकी जगह बिल लगा दिए गए, और इस पूरे मामले में अनिल विज से रिकवरी भी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो विधायक हैं वो उन्होंने गलत बिल दिए हैं और उन गलत बिलों के एवज में पैसा भी विधानसभा से ले लिया। जी बिल्कुल, विधायक तक इसमें शामिल है, सरकारी जो महकमे हैं उनका तो हाल है ही बुरा। आदित्य, सीएजी ने कई बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिंचाई के मामले में जो लक्ष्य रखा गया था कि 1,140,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाना था पिछले 5 साल में, लेकिन हुआ है सिर्फ 104, 10% से भी कम। इसके अलावा केंद्र सरकार से, क्योंकि यमुना पर जो बाढ़ आती है हर साल, उसकी सुरक्षा का जो मामला है वो सरकार अपने, प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जल्दी नहीं कर पाई, इसलिए केंद्र सरकार से 83 करोड़ की जो सहायता मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई। ऐसे में महकमों और पूरे जो तंत्र है, जो व्यवस्था है सरकारी स्तर की, उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आदित्य, दीप कमल, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, लगभग 70-80% लोग कृषि के कामों में व्यस्त हैं और वही कर अपना गुजारा करते हैं। और हरियाणा में 2007 से लेकर 11 की अगर बात करें तो लगभग 1,100,000 एकड़ जमीन, हेक्टेयर ज़मीन जो है उसको सिंचित करने का लक्ष्य था, लेकिन 10% कर पाए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इशू आज कैग में उठा है कि दादूपुर नलवी नहर, जो एक बड़ा अचीवमेंट थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की, लगभग 125 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, उसको लेकर कैग ने ये कहा है कि इस पैसे को खर्च करने का कोई फ़ायदा किसानों को नहीं मिला। इस नहर में पानी उस वक्त आता है जब किसानों को ज़रूरत नहीं होती, यानी बारिश के मौसम में, जब ज़रूरत होती है तब इस ये नहर सूखी रहती है, पानी नहीं होता। तो सिंचाई के क्षेत्र को काफ़ी कई मुद्दों को सिंचाई के क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के कैग ने टच किया है और ये बताने की कोशिश सरकार को की है कि अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारिए, क्योंकि कार्यप्रणाली खराब होने की वजह से हरियाणा के खजाने को चोट लगती है। करोड़ों का जो एक हम कह सकते हैं फिजूल खर्ची सरकार की तरफ से हो रही है, उस पर रोक लगाए जाने की सिफारिश जो है वो कैग ने की है। जी आदित्य, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, हाल ही में हमने देखा कि जो कर्ज माफी का जो मामला था उसमें पाया गया कि करीब 22% जो कर्ज थे वो ऐसे लोगों के माफ़ कर दिए गए जो उसके योग्य ही नहीं थे या जिनको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसमें बड़ा घपला पूरे देश के स्तर पर सामने आया था। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट जो अब सामने हरियाणा के संदर्भ में आई है, उसमें मनरेगा को लेकर बड़े सवाल हैं। ऐसे तालाबों की खुदाई कर दी गई है जहां पर पानी ही कभी नहीं आता। इसके अलावा बिना पौधे लगाए वन विभाग ने 24 लाख का खर्च दिखा दिया है। 5% से भी कम मजदूरों को मनरेगा के तहत 100 दिन का काम, जो कि एक गारंटी उसके अंदर रोजगार की है 100 दिन की, 5% से भी कम मजदूरों को उसमें मिल पाया है। और जो इसके लिए जॉब कार्ड बनाए गए थे उनमें 2/3 से ज़्यादा ऐसे जिनके जॉब कार्ड बने थे उनको रोजगार नहीं मिला है इसके तहत।